तो हां जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। फाइनली मुनावर फारूकी ने दूसरा व्लॉग डाल दिया है दुबई का, तो टिप्पणी करना तो बनता है, दुबई धंधो पार्ट टू। ओके ब्रो, एंड आई रिक्वेस्ट टू मुनावर फारूकी टीम, प्लीज डोंट गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक एंड स्ट्राइक ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं कभी कोई चीज़ पर्सनली नहीं बोलता, सब जोक सपाट होते हैं। एंड कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो कर लेना। इंट्रो आ जाएगा अभी हमारा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बहुत सारी बकवास के साथ, एंड नाउ लेट्स प्ले द व्लॉग। पहली चीज तो ये कि व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं थी, ठीक है? जितना पार्ट कटो उसमें स्टार्टिंग नहीं थी कि भाई हम दूसरा व्लॉग स्टार्ट करें, रैंडमली स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो कैसे। अरे अरे अरे, ओ ब्रो, व्हाट इज दिस हबीबी? वेलकम होम, सरप्राइज दोस्तों, ये आप लोग किस लिए, सबके लिए सरप्राइज था। ये दुबई का मेरा पहला घर है, मैंने दुबई में पहली प्रॉपर्टी खरीदी है, और ये है आप लोगों के लिए। देखो भाई, मैं जितना मुनव्वर इकबाल फारूकी को जानता हूँ, ये बंदा पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को पोक ना करे, किसी को ट्रोल ना करे, किसी को उंगली ना करे, एंड ही इज टू एक्साइटेड। दुबई जाकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और घर ले लिया, वेलकम होम लगा हुआ है। भाई देखो, कह तो रहे हैं कि मैंने घर ले लिया, बट मुझे संदेह है। ये सरप्राइज, थैंक यू सो मच, ये आपके प्यार के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता था, और आपने प्यार के साथ जो पैसे दिए मुझे टिकट खरीद के, उसके बिना बिल्कुल नहीं हो सकता था। नहीं यार, कुछ तो भी लोचा है यार, नहीं लिया भाई तुमने। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि यार इतने लाइव शोज करके या जितना भी पैसा कमा के, मतलब इतना पैसा कैसे आ गया कि इसने दुबई में इतना आलीशान। वही तो भाई, वही तो, इतने अमीर कैसे हो गए? अभी 2.3 करोड़ की तुमने कार ली, उसके बाद तुम दुबई पहली बार जा रहे हो, पहली बार जाते ही तुम फ्लैट ले रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वसीम आपके दोस्त है गुजरात से पहले, उनका घर है ये। तो ये आप सही सोच रहे हो कि इतना पैसा किया है, ये मेरा सही है। देखो मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ पे ना ये जो व्लॉग में घर ले लिया है, ये कर लिया है, एल्विश यादव है हमारे, उन्होंने एक थंबनेल लगाया था कि 8 करोड़ का घर ले लिया, तो ये उन्हें पोक करा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? ये उन्हें पोक किया गया है, पहला बंदा पोक नंबर वन। बट द थिंग इज, किसने सजाया है? वेलकम होम, होटल वाले वेलकम होम नहीं लिखते, इस तरीके से डेकोरेट नहीं करते गुब्बारे वगैरह बलून वलून लगा के। लेकिन मैं आपको एक डील दे रहा हूं कि ये मेरा 4 दिन तक तो मेरा घर है, ठीक है? 4 दिन तक तुम्हारा घर है, तुम होटल में हो, घर में हो। ओह, भाई जितने कंफर्टेबली मुनव्वर इकबाल साहब ये घर खोल रहे हैं ना, ये होटल या रूम या फ्लैट जो भी एक्स वाई जेड, एंड द थिंग इज बुर्ज खलीफा भी सामने है, तो भाई कुछ तो भी लोचा है। ये व्यू के लिए हवा चल रही है गरम। क्या लोकेशन पे इन्होंने फ्लैट लिया है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वो बिल्डिंग है जो शिप बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, दुबई में जो दो इमारत खड़ी है शिप बनाया हुआ, ये वो होटल है। वेरी बुर्ज खलीफा, वेरी बुर्ज खलीफा, लोगों ने इसका नाम है रखा है बुर्ज खलीफा, बट मैं बोल रहा हूँ ये है वेरी। एक तो यार मुनव्वर भाई की टीम, मतलब मुनव्वर भाई या उनकी टीम जो भी व्लॉग अपलोड करते हैं, आई डोंट नो, वो इतनी सुस्त है, मतलब पूरी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। अब ये बंदा इंडिया आ गया, अपने को पता चल गया कि मुनव्वर साहब इंडिया में हैं, आके मूवी वूवी के उसमें गए एंड शो वो कर रहे हैं कोलकाता बेंगलोर मुंबई ये कर रहे हैं, और व्लॉग अब आ रहा है, आई थिंक ये 11 दिन के बाद व्लॉग आया। भाई यार टाइम से व्लॉग अपलोड कर लिया करो ना, एक्साइटमेंट की माँ बहन कर देते हो तुम लोग। बहुत बुर्ज खलीफा यार, इतना खूबसूरत मंजर व्यू। सही है, उन व्लॉगर से तो बढ़िया है जो मोबाइल हाथ में लेके, दोस्तों आज मेरी गांड फट गई, दोस्तों आज मेरे आंट फूट गए, दोस्तों आज मेरी चोपड़ा ने हंक दिया, दोस्तों इससे तो बढ़िया ही है कि हाँ एक व्लॉग का स्टैंडर्ड है। कौन सी वहाँ कार लग रही, चीटी सी ने कार दिख रही है वो दे दिया।
दे दिया। पहले को दिया, उसने बोला कि कहाँ पार्क करूँ, मैं बोला तेरे घर। अच्छा पहले का घर उधर ही है? नहीं वो रहता है तू तो बता दे। वाह ब्रो वेरी ब्यूटीफुल, आपको बाकी का घर दिखा दो, आ जाओ। ओहो ये है एक ब्यूटीफुल कमरा, अंदर मत आइए। अंदर क्यों ना आइए भाई, मतलब मैडम भाई मैंने कहा था ये बंदा ना वहां पे हनीमून के लिए गया, शो एंड हनीमून, देख रहे हो तुम। मैडम ने ही डेकोरेट किया और ये वेलकम होम मैडम ने लिखा है। ये होटल था, फ्लैट था, और ये जो मैडम मतलब मनोहर भाई की वाइफ, हाँ मनोहर भाई की वाइफ ने डेकोरेट किया है, एंड इसको इस तरीके से दर्शा रहे हैं कि घर भाई है। मैं अभी तो कहूँ किसने एडिट करा, और ये बंदा मतलब दो तीन दिन पहले भेज दिया होगा अपनी बीवी को, क्योंकि न्यूज़ व्यूज़ में आई ना वो चीज़। ये तो अकेले गए थे, साथ में अपने दोस्त सदाकत करके हैं उनको हक करके गए थे। थैंक यू। चलिए आपको मैं निकालूं यहाँ से रसोड़ा। ओ रसोड़ा भाई साहब, क्योंकि बाहर का खाने आने वाला, रसोड़ा सिर्फ यहाँ पे फ्रिज यूज होगा, सिंक यूज होगा, चाय टोस्ट चाय बिस्किट बन सकता है। ये है किंग का ग्रैंड स्वीट, जिसका व्यू ये है। इकबाल साहब आप किंग के शहर में हो SRK के, आई नो तुम्हारा स्टार्टअप भी ऐसे ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लाइक SRK शैडो दिखाई दे रही है। अरे भाई साहब ब्रो ये हमारे कमरे का व्यू है, मतलब के मैनेजर को भी यकीन नहीं हो रहा है बीवी ने मुनव्वर साहब की कौन सा होटल ले लिया। तो हम एक जिस हिसाब से मुनव्वर साहब दिखा रहे हैं, इन्होंने खुद प्लान करके ना लिया हो ये। मैं क्या बोलूं ब्रो, हाँ वीडियो कॉल पे देख रखा हो ना बीवी है अपनी। मैं क्या बोलूं, ये सब कुछ बोलने की बात जरूरी है नहीं है, मतलब सब कुछ जाहिर है, ये तो सब कुछ जाहिर हो चुका है भैया, ये तो जगत में ऐलान कर दो। जगत में ऐलान छोड़ो, पीछे जो सोफा पड़ा है वो पोजिशनल सोफा है, पता नहीं इस पे कितने टाइप की पोजीशन बनती है। स्टार इज अराइव, क्या बात है भाई, बंदे हैं उसके रूम पे किसका दौर है। रुक जा आमिर खान, हमने निहावस और जी किसका जोर और मीदो के समझ मिटिए जाए और स्टे नाइट फॉर बैक पहले मैं याद ना डंडा 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 हाथ मत छोड़ने साथ मत छोड़। क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। इतना याद है भाई, इतनी धूम धूम थ्री तो इतनी टट्टी थी ना भाई। क्या ये आमिर खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, धूम थ्री टट्टी बोल के। इतना भी डायलॉग याद है तो अच्छी बात है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा ये गेस्ट बाथरूम है। ओह दिस रूम इज गोइंग टू यूज बाय नितिन। नितिन क्या बात है नितिन, और ये दो छोटे छोटे कमरे जहाँ पे ऋतिक सोएगा और एक पे आकाश सोएगा। ऋतिक अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाया। ऋतिक मतलब तुम्हें सदाकत को ले जाने का मन नहीं था क्या सीरियसली? क्योंकि ना ही उसके पास वीजा था और ना ही हमारे पास बजट। ये है हमारे वसीम दुबई, इसको सब इसका सेकंड नेम ही वसीम दुबई है क्योंकि हमारे गांव में देखो उसमें साइड मिरर में कोई तो भी काला दिख रहा है, मतलब बचपन का दोस्त है और ये दुबई का था, दुबई से आता था और फिर जाता ही नहीं था। तो सब इसको वसीम दुबई के नाम से जानते थे और भी बहुत सारे नाम से जानते थे, बट हम अब बड़े हो चुके तो वो सारे नाम इसको नहीं। तो ये इमरान खान की फर्स्ट कॉपी। क्या जगह है भाई, क्या वॉल में बैठे हो, मतलब मेरे गांव में नहीं कहावत है, मेरे गांव में कहते हैं कोई ऐसा घर देख लेते ना बहुत खूबसूरत घर में, कहते हैं कि ऐसे घर में तो भूखे रहने, मतलब अगर खाने को होगा नहीं, खाने को नहीं होगा ना चल जाएगा एक बार। चूतिया मत बनाओ लोगों को, घर ऐसा होना चाहिए भूखी ना लगे खुशी। तो यहाँ पे ऐसा बैठे हुए रात में, यहाँ पे हल्का फुल्का म्यूजिक चल रहा है, YouTube पर भाई का स्टैंड अप चल रहा है और या तो दुबई का फर्स्ट वाला ब्लॉग चल रहा है और बुर्ज खलीफा सॉरी बहुत बुर्ज खलीफा किसी को भी नहीं आ सकती है। आई लव माय लाइफ ब्रदर। हम जुमेरा दोस्तों, हम दुबई बहुत आए हैं अभी,
ये मैंने देखा वेंडिंग मशीन, जो मैंने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करी, आज पहली बार मैं वेंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई तो आपके घर के नीचे भी है। तो मैंने वसीम को भेजा था कि भाई चिन्नर चाहिए, कॉइंस चाहिए। तो वसीम बोला भाई अब भी लाके देता हूँ। बोला कार में पड़े? बोले नहीं। वसीम इन द अदर यूनिवर्स। टोक्यो जापान वरना अगर मतलब शादी ना हुई होती तो ये थाईलैंड की बात कर रहे होते, जहाँ तक मुझे इनके बारे में आइडिया है, जिस तरीके का इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये 10 कॉइन डालूंगा तो आएगा। सबका अलग अलग है। अच्छा तो अभी मेरे को ये तो बता क्या चाहिए। मेरे को किटकैट चाहिए। किटकैट 4 दिरहम 22 44 88 रुपए की किटकैट, जो इंडिया में 20 रुपए की आती है। देख रहे हो जितना बालक एक्साइटेड नहीं होता, एक छोटा सा बालक जाता घर से कोई ऐसी चीज मिल जाती, वैसा हाल है मुनव्वर साहब का यहाँ पे। पैसा और उंगली, ईवीएम मशीन याद आ गया भाई। मत कर, जेन्युइन एडवाइस है। अभी क्या मांगू? भाई ईवीएम मशीन को तोड़ रहा है क्या बंदे? भाई ये तीसरी चीज तोड़ी गई है यहाँ पे। वसीम तोड़ दिया गया, एल्विश तोड़ दिया गया, अब समझ जाओ ईवीएम। अरे किटकैट इधर अटक गया दीवार में। क्या सोचा था और क्या हो गया? स्मथ ही साला लबड़ा है। ऐसे लवड़ा किस्मत सबकी होनी चाहिए, समझ गए? इधर मारूं? मशीन को क्यों मारेगा भाई? भाई 4 रुपए के लिए मशीन को कोई नहीं मारता। अरे मेरा किटकैट अटक गया इधर। भाई कहां से भीख मांग के लाया तू ये कॉइन? भाई वो अटकता नहीं है, वो कुछ टाइम लेता है, मतलब बाहर आने में वो कुछ टाइम लेता है, होल्ड पे रहता है, फिर एक शटर ओपन होता है, वो उसमें नीचे गिरता है। लात गुट बजा रहे भाई, पता चल रहा है पहली बार गए हैं ये दुबई। भाई ये तो सच में हॉलीवुड में होता है ना वेंडिंग मशीन वाला। क्या बात है, नहीं फिर भी नहीं है। और अटक गया। जेल से उल्टो करेगा, आड़ा करेगा ब्रो, जेल वेल हो जाएगी ब्रो किटकैट के चक्कर में। लॉग वायरल हो जाएगा। पासपोर्ट जितना करने वापिस कर लेना। $4 वेस्ट हो गया। वापिस किटकैट, वापिस वापिस किटकैट वो भी आएगी। 31 आई ना भाई, क्या आई? अब ये भी अटक जाती। डबल पैसे में किटकैट खरीद। भाई ये पकड़े जाएंगे, ये जिस तरीके से लात कुट मार रहे हैं ना इसमें, ये तोड़ेंगे इसे भाई। निकलना है। और क्या चाहिए? वैसे भी तुम आ गई आ गई आ गई। ये क्या मालिक का एक रुपया वेस्ट नहीं होने दिया भाई ने। अरे ये होता है मैनेजर। मैनेजर साहब, मैनेजर का सिंधी मशीन के अंदर घुस जाता है। ये होते हैं सिंधी मैनेजर के फायदे। सो दोस्तों हम आए हैं कि बहुत ही क्रेजी चाइनीज रेस्टोरेंट यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर। भाई ने बोला वुड यू लाइक टू कैप्चर द मोमेंट, आई एम मेकिंग व्लॉग। सो ये डंपलिंग है, डंपलिंग में ये सॉस डाल जाता है।
डम्पलिंग कहाँ है, मोमो है हमारे यहाँ, वो स्टीम मोमो बोलते हैं इनको। वैसा बर्बाद नितिन, कैसा लग रहा है ये सब नहीं खा के? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो ये हम खाने वाले हैं और ये सब कुछ ऑर्डर हमारी मैडम ने किया हुआ है। हाँ, घरवाली ने, मैडम ने नहीं, घरवाली ने ऑर्डर किया हुआ है। मैडम तो इस तरह कह रहे हैं जैसे कोई बॉस असिस्टेंट या कुछ लेके गए हो साथ में। देख रहे हो भाई, जो मुनव्वर भाई के फ़ैन हैं, जिन्हें मतलब वो जो फैन पेजी चलाते या वो सब चीज़ें करते, भाई तुम देखो, ये तुमसे छुपाया जा रहा है, और किसी से नहीं छुपाएंगा ये बंदा, ये तुम ही से छुपा रहा है। और ये इमरान खान का फर्स्ट कॉपी। राइडर मत बोला करो तुम, ये राइडर पे पोक होता है भाई, ये राइडर पे पोक होता है। I'm a driver. This is dumpling. तो ये है चॉपस्टिक दोस्तों। और भाई थोड़ा पीछे गौर करना, किसी को ब्लर किया गया है। लोग बोलते हैं कि चॉपस्टिक से खाना मुश्किल होता है, बहुत ही वेस्टर्न कंट्री वाले कर सकते हैं। एंड जब भी मैं चॉपस्टिक से, ये नाजिला है क्या भाई? नाजिला को दुबई कब लेके? बट आई नो हाउ टू। हाँ, नाजिला नहीं है भाई, क्योंकि वो बच्चा खिला रही है, मेरे को ऐसा लगा कि ये नाजिला है। मगर हनीमून पे नाजिला क्यों जाएंगी? कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी तो लड़का होता है, कबाब में बोटी पाया या कुछ ऐसा। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। Always pull off difficult things, and here it is. Dumpling. क्या बात है भाई, क्या बात है, बड़े होटल में मुनव्वर इकबाल फारूकी साहब का फैन मिला है भाई, पहला फैन। ओ राकेश को पता है भाई, बिग बॉस चैंपियन। कैसा लग रहा? मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सारी टेस्टलेस चीजें ये महंगी दुकानों पे कैसे मिलती है। महंगी दुकानों पे टेस्टलेस चीजें, आज हम भी खा के आए पास्ता भाई, व्हाइट पास्ता भाई, मतलब उबले हुए चावल में दूध डाल दो बस। वही सोचते, मेरी मेरे में ही कुछ कमी है। ये कट कर देंगे ठीक है? नो दोस्तों, ये है जो भी है, बर्तन खत्म हो गए थे, मैंने वाइन की ग्लास में डाल दी है। पड़ो रहा ठीक है। पकड़े गए भाई। चॉपस्टिक दो। अरे ये क्या है भाई? आई दो। पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है जिंदा। दोस्तों तो हम लोग आए हैं दुबई मॉल, और दुबई मॉल में भाई तुम कब से दुबई मॉल में ही घूम रहे हो? काफी देर से दुबई मॉल ही घूम रहे हो भाई तुम। एलवी के शोरूम में आए हैं और हमें एक बैग पसंद आया है जो हमने साइड में रखा है, लाइक कल आगे लेंगे, नहीं साइड में रखा है कि हमें और कुछ लेना है। तो दिस इज पहली बार इंसान जब लाइफ में एलवी खरीदता है, सब होता है अमीर लोग का, जो अमीर बनते हैं लोग का, एलवी फर्स्ट एलवी। तो मुझे ऐसा क्रेज तो नहीं है, बट
मैनेजर ने बोला कि भाई बनता है ब्रो, यू डिजर्व इट, ले लो देख लेंगे। ही सेड मैच होता है क्या एलिवी दैट आई ये वो मैंने कहा। Then how was the shopping experience, bro? Bro, too good, bro. Sugar, Habibi Palm Jumeirah, bro. हम जा रहे हैं यहाँ के कौन से टॉप गोल जा रहे हैं टॉप गोल्स दुबई का सबसे क्रेजी जगह है टॉप गोल्स बहुत आपने वीडियोस रील्स वगैरह में देखा होगा तो आज हम भी जा रहे हैं वहाँ पे धुआं करने। क्या सुबह हाय दोस्तों हम दुबई में ड्राइव कर रहे हैं दुबई में। ये दुबई में ड्राइव करना इलीगल है, तुम्हारा पासपोर्ट मुश्किल से मिला क्या, उसे जब्त करवाना है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो। ये डाबी बाजू मतलब लेफ्ट, यही काम अनुराग डोभाल लैंडी राइडर ने करा था, उसने भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई थी। इन लोगों को नहीं पता 25,000 दिरहम का चलान लगता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। साइड ड्राइव रहती है जिसकी वजह से मेरे को तो बहुत ही तकलीफ हो रही है गाड़ी चलाने, बट तकलीफ कौन सी है जो अपन नहीं झेल पाते ब्रो? नाजिला नहीं झेल पाए आप? नहीं नाजिला आपको नहीं झेल पाई, सॉरी पाम जुमेरा भाई सीलिंग का गया, सीलिंग नहीं है फ्रीवे यहाँ से दादर शार्प टर्न है मेरे से ज्यादा शार्प ब्रो। चालू ब्लॉग में गाड़ी छूगी तो क्या व्लॉग पर थंबनेल फाइनली अपन भी डाल पाएंगे। गाड़ी ठुक गई ऐसे, ये राइडर को पेरा जा रहा है भाई। ये देखो पीछे से नितिन भी बोला अब क्या होगा। ये नितिन भाई आजकल बहुत पोक कर रहे हो तुम राइडर को, पिछले व्लॉग में भी बॉक्सिंग के टाइम पे उसके सॉरी वो जो लड़का है राशिद उसके व्लॉग में पोक कर रहे थे जब बॉक्सिंग का वो था कि लाइक राइडर तो ये मजेदार जो गेम था गोल्फ का उसमें हमने तो महारत हासिल कर ली और मजा आ गया। लेकिन दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो कर लेना क्योंकि व्लॉग तो और आते रहेंगे है ना, क्योंकि मैनेजर ने बोला है व्लॉग बनाने तो दोस्तों और व्लॉग आएंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो। अभी तक तो दुबई में मुझे दो तीन ही दिन हुए, तीन ही दिन हुए, सेकेंड फ्लोर पे आना है क्यों अरे भाई ये लंदन का लोकल आदमी है भाई मुझे माफ कर दो। एक जगह अगर वसीम ने साथ छोड़ दिया तो बावले हो जाओगे बावले। कुछ मालूम तो घंटा है नहीं तो घंटे से ज्यादा है सब बेल आइकन दबा देना। क्या छूटी है इमरान खान फर्स्ट कॉपी। तो दोस्तों दुबई तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा और हमारा गोल्फ का गेम भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन दुबई और भी एक चीज के लिए बहुत फेमस है वो है लग्जरी कार्स, लग्जरी राइड। और क्यों ना मैंने सोचा कि आपको भी इसी तरह एक लग्जरी राइड दिखाई दूं जो कि हमारी रेडी है इधर। इसके अंदर ट्रिंकोरी भी है, ट्रिंकोरी पता है क्या होता है? ट्रिंकोरी घंटी। भाई ऐप डाउनलोड करो, ये हमारा मैनेजर जो है ना भाई थोड़ा यार थोड़ा ढीला। तो ये किस काम का है भाई? ये काम लोकल किस काम का है भाई? ये किस काम का है? कर दिया क्या तूने भाई? ये शांत है ना, मतलब जो जितना सहमा उतना गहरा एकदम शांति में काम कर रहा है, अभी मालूम पड़ा चालू करके दे देगा। पेमेंट इशू आ रहा है। अरे भाई यार, अरे यार पेमेंट इशू आ रहा है। हो गया। और ये हमारे रेस्टोरेंट में जो भाई है उन्होंने करके दिया भाई, थैंक यू सो मच। तो उनको दिखा गिर ना जाए यहाँ होना बर्फ आरोप जिस हिसाब से चला रहा है भाई, इस पे आदमी एक सेकंड में लेट पेट हो जाता भाई। ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, भगाऊंगा ना मैं। को
कॉपी कर लिया यार, ये कॉपी है, ये मुनावर साहब ने कॉपी करा है, एक यूट्यूब चैनल है सेवेंजर करके, उनके एक बंदे ने ये वीडियो बनाई थी और ये कॉपी कर लिए। ठीक है, मैं इसे अगर 10 में से देना चाहूँ तो 3 नंबर दूंगा। बस इतना ही आज के व्लॉग में, होप यू एंजॉय। क्या एंजॉय करोगे व्लॉग में, एंजॉय करने वाली नहीं, अगर एंजॉयमेंट वाली कोई चीज़ होगी गाली वाली कमेंट सेक्शन में मत देना भाई लोग। एंड मिलते हैं बोझुल के एक नई वीडियो के साथ, कीप शेयर कीप सब्सक्राइब, एंड हाँ मेरे गेमिंग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया है एंड वहाँ पे हम गेमिंग वीडियोस डाला करेंगे और धीरे धीरे जैसे हम पैसा कमाएंगे यूट्यूब से इन सब वीडियोस से, फिर हम सेटअप डालेंगे। दिस इज़ बिजनेस ब्रो, हैं समझ रहे हो ना। चलो बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो।